फुटवेयर सेट लेकर के आई थी जो आप सबको बहुत पसंद आया था। आपको पता है उसके साथ क्या हो गया है? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ और ब्लॉग जो है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने बालों में लगाया है मामा अर्थ का अनियन हेयर मास्क। मामा अर्थ की जो अनियन रेंज है, मैं एक महीना हो गया मुझे यूज़ कर रहे हैं। मैंने 17 डेज पहले इसको वीडियो डाला था और रिसीव ऑब्वियसली मुझे पहले हो जाता है। मैं वीडियो का शेड्यूल जो होता है वो 6-7 डेज बाद मेरा रहता है। तो यू नो मैंने काफ़ी दिन 20-25 डेज के ऊपर हो चुका है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली। आज ये थर्ड टाइम है जब मैं इसका मास्क लगा रही हूँ। मैं हर वीक में मास्क नहीं लगाती हूँ, समटाइम्स व्हेन आई फील। तो इसका मास्क तो लिटरली इज़ अ बॉम्ब DE.com टाइप्स है। तो मास्क इज रियली रियली अमेजिंग। इवन इसका शैम्पू एंड कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। बात आते हैं हेयर फॉल ये कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे सिर्फ 20-25 डेज मतलब अप्रॉक्स एक मंथ हुआ है इसको यूज़ करते हुए। तो हेयर फॉल के ऊपर कमिट करना या कुछ चीज़ बोलना मेरे लिए अभी बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये हेयर फॉल कंट्रोल कर रहा है, बट येस ये आपके बालों की क्वालिटी बहुत अच्छी कर देता है, ये मैं बोल सकती हूँ। बाकी हेयर फॉल के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी अभी, बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, आप लोगों ने मेरा जो होम सेंटर वाला हॉल नहीं देखा है तो आप देखिएगा जाकर के। मैं उसमें से स्टील का कुकवेयर सेट लेकर के आई थी। तो मुझे उसको यूज़ करे हुए हार्डली 10 डेज हुए हैं, 10 या 12 डेज हुए हैं। और सच बता रही हूँ, मैं जितने भी शॉपिंग करके लाती हूँ ना, मेरे पास उनके शॉपिंग बिल नहीं होते हैं। मोस्टली बिल्स मैं फेंक देती हूँ, या तो उसी दिन फेंक देती हूँ या उसके दूसरे दिन फेंक देती हूँ। कपड़ों के रखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैंने ट्राई किया और मुझे ठीक नहीं आया तब तक मैं बिल रखती हूँ अपने घर में। उसके बाद वो नेक्स्ट डे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि कोई काम का नहीं होता, क्लटर जमा करने का कोई सेंस नहीं होता, तो मैं बिल फेंक देती हूँ। तो जब मैं वो सामान लेकर के आई तो ऑब्वियसली मैंने उसका बिल फेंक दिया। और मैंने उसको यूज़ करा, मैंने उसके सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके साथ तो उस कुकवेयर सेट के साथ क्या हुआ है। एक तो ये आया था, ठीक है, ये छोटा वाला सेट है। तो ये अच्छा यूज़ कर रहा है, इसमें चावल वगैरह बनाते हैं, इसमें हम लोग मिल्क बॉईल करते हैं, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब जो इसका बड़ा वाला सेट था ना, मैं उसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, मैंने ना अपनी मेट से भी कन्फर्म किया कि गिर तो नहीं गया था, तो उसने बोला नहीं ये गिरा नहीं था। आप ये आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से भी क्रैक हुआ है और ये यहाँ से भी क्रैक हुआ है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये अंदर से भी चटका है और ये यहाँ दोनों तरफ से, जहाँ से इसके स्क्रू थे ये दोनों तरफ से ऐसे चटक चुका है। मेरे पास ना तो इसका बिल है, ना कोई इसका बॉक्स है, ना कुछ है। तो मैं एज इट इज़ लेकर के जाने वाली हूँ और अभी मैं फटाफट से नहाऊंगी, आई विल टेक अ शावर, उसके बाद मैं रेडी होंगी तो तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मुझे ये 20 मिनट्स लगा करके रखना है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय। हेलो गाइस, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले शावर लिया है और मैंने अपना लंच कर लिया है और अपना थोड़ा सा जो बेस वेस है वो सब कर लिया है और अब मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। आई नो आप लोग मुझसे पूछोगे कि मेरा लिपस्टिक कौन सा शेड है, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा लिपस्टिक मैंने लगाया है। दिस इज़ बाय नायका का 11 शेड नंबर है ये, मैटिलिशियस वाले का जेड रोज। ये मैं लगाती हूँ आउटर एजेस पे। और ये वाला लिपस्टिक है लैकमे एब्सोल्यूट का मसाबा लिप पाउट और इसका शेड है कॉटन कैंडी। तो इसमें दो शेड्स हैं, एक तो है कॉटन कैंडी जो थोड़ा सा म्यूटेड पिंक है और एक है कैरेमल टॉफी। मोस्टली अगर मैं रेड कलर नहीं लगा रही हूँ और इस तरह का न्यूट कलर लगा रही हूँ तो मैं ये 3 शेड्स को ही मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ। मतलब मेरी स्किन टोन पे दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट न्यूड, इतना परफेक्ट लगता है, स्किन को वॉश आउट नहीं करता है, उल्टा और अच्छा लगता है ये स्किन पे। उसके बाद ये वाला जो टॉप है ये मैंने वेबसाइट से लिया है और इसके जो नीचे मैं पहनी हुई हूँ वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसके नीचे मैं इस तरह से लिनन का क्यूलोट पहनी हुई हूँ। यहाँ पर थाने में एक एग्जीबिशन लगा था तो वहाँ पे लिनन के फैब्रिक थे, पूरे हैंडमेड लिनन बनाते हैं वो लोग, तो ये उस तरह का फैब्रिक है, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। और तो इसकी भी मेरे पास लिंक नहीं है, इस टॉप की भी मेरे पास लिंक नहीं है, जिसकी लिंक होती है वो मैं बता देती हूँ, बट हाँ मैं ये बता देती हूँ कि कौन से स्टोर में अवेलेबल है। ये वाला वॉलेट भी लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज इसका ये जो सेक्शन है ना,
ये निकल गया है एंड इट्स इन वारंटी पीरियड. ठीक है, ये भी इसका मेरे पास वो रखा हुआ है, अभी भी बिल वगैरह मैं सब लेकर के जा रही हूँ. इसमें एक साल या दो साल कुछ की वारंटी है कि अगर इसमें कुछ भी होता है तो ये लोग मुझे रिप्लेस करके देंगे. दिस इज़ माई फॉसिल, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है बट मुझे डिस्काउंट पे ठीक मिल गया था. बस अब मैं थोड़ी देर में पटाख से निकलती हूँ. आज का दिन काफ़ी अच्छा था बिकॉज़ दोनों काम मेरे बहुत अच्छे हो गए. जो होम सेंटर वाले हैं उन लोगों ने मेरे को बोला कि वो पूरा जो पीस है वो रिप्लेस कर देंगे. दूसरी चीज़, फॉसिल में मैं गई थी तो एक्चुअली मेरे वॉलेट में ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये ना इस तरह से निकल गया है, लाइक दिस, ये इस तरह से निकल गया है. तो इसको मैं फेविक्विक से चिपका भी सकती हूँ बट क्योंकि ये वारंटी में है एक साल की और अभी हार्डली इसको 2 मंथ्स हुए हैं, शायद लिए हुए हैं 2-3 मंथ्स हुए हैं. तो उसने मेरे को ये बोला, जो लेडी थी वहाँ पर वो इतनी अच्छी थी, उसने एज अ फॉसिल ब्रांड ने एक नॉर्मल कस्टमर की तरह मुझे एडवाइस किया कि ये कोई ब्लैक कलर एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, रिप्लेसेबल है ये पूरा वो मुझे नया पीस देने को रेडी थी. बट द थिंग इज कि ब्राउन, टैन और एक रेड कलर, तो रेड तो वो इतना गंदा दिख रहा था, भड़कीला सा, और मुझे ब्लैक ही चाहिए था बिकॉज ये जो वॉलेट का लुक है ये ब्लैक में आ रहा है, इतना अच्छा लुक बाकी किसी कलर से नहीं आ रहा था. और मैं लेने नहीं गई थी बट मुझे ये देख के पसंद आया था और इसका पूरा पैटर्न मुझे बहुत पसंद आया था, दैट्स वाई मैंने इसको परचेस किया. मैं अपनी घर की चाबी भी टांग देती हूँ और सब आ जाता है मेरा इसमें, तो दैट्स वाई मैंने इस पैटर्न को पसंद किया था. तो मैंने उनको बोला कि अगर ब्लैक अवेलेबल है तो ही मैं लूँगी, अदरवाइज ये इतना बड़ा इशू तो है नहीं कि मुझे यू नो कि इसको वो करना पड़े. तो उसने मुझे बोला कि आप एक साल में जब 9-10 महीने चलाओ, जितना चलाना है उतना चलाओ, इसको रफली यूज़ करो, ख़राब जब ये होने लगे तब मैं आपको इसको रिप्लेस कर दूँगी. जब नए मॉडल्स आते रहते हैं उनके यहाँ तो हर 6 मंथ्स में नए मॉडल आते हैं, क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ये डिसकंटिन्यू हो गया, इसलिए ये सेल में काफ़ी सस्ता, मतलब 3000 कुछ का था और 1500 में मुझे मिल गया था ये, तो उसमें मिल गया था. तो यू नो कुछ ब्रांड्स में चीज़ें लेने का बड़ा फ़ायदा होता है. तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 7-8-9 महीने चलाऊँगी और 8-9 महीने चलाने के बाद कोई नया वॉलेट से इसको रिप्लेस कर दूँगी, ऐसे झोल करेंगे हम लोग. ठीक है, और दूसरी चीज़, मुझे लास्ट जब मैं यहाँ पर एग्जीबिशन लगी थी थाने में तो तब भी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, और आज मैं विव्याना गई थी तो तब भी मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गए थे. सो आई एम सो हैप्पी. उन दोनों की पिक्चर्स लिए हैं मैंने, तो ये दोनों की पिक्चर्स मैं लगा दूंगी यहाँ पर. तो जो आज मिली थी वो उन्होंने रिसेंटली मेरा चैनल देखना स्टार्ट किया है एंड मैं ज़ारा पे थी और उनकी बेटी अच्छी बड़ी, आई थिंक उनकी बेटी 10th 12th में या कॉलेज में होगी, आई डोंट नो, मैंने पूछा भी नहीं. मैंने से फोटोज़ क्लिक करवाए उनके साथ एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट. और जो एक और मुझे मिली थी कृष्णा, वो भी बहुत अच्छी, उनका भी छोटा सा बेटा था. सो आई एम सो हैप्पी. मतलब थाने के अब तो ऐसा हो गया कि मैं कहीं निकलती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ढंग से तैयार होकर जाना पड़ता है, अदरवाइज मैं पहले बिल्कुल ऐसी बन बनाया और ढीले से कपड़े और घर में जो पहनी हुई वही पहन के मैं निकल जाती थी. अब क्योंकि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई टकराता है, हमेशा मुझे कोई ना कोई टकराता है. सो अगर आप मुझे देखते हैं और आप डाउट में रहते हैं कि मैं इनके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो आप डेफिनेटली मेरे पास आ सकते हैं. आई वुड लव टू मीट यू गाइज. और अभी मैं फटाफट से चेंज करती हूँ और चेंज करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ. टिल देन, तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड, तो ये है ब्राउन ब्रेड और इसको मैं इन्फिनिटी के, जब मैं फैब इंडिया गई थी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं वहां से क्या लेके आई थी. ओके, तो वहाँ के फैब इंडिया से मैं ये लेकर के आई थी, ट्रेडिशनल होममेड स्पाइसी पीनट बटर. अगर आपने ये पीनट बटर ट्राई नहीं किया है, दिस इज़ माय फर्स्ट पीनट बटर एवर. मैंने इससे पहले कभी भी पीनट बटर नहीं खाया है और पीनट बटर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि हर्बल वाला लिया जाए और फैब इंडिया का मैंने ट्राई किया. ये है वो, ये इतना ज़्यादा डिलीशियस लगता है, इतना डिलीशियस लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ. तो जब से ये आया है मैं डेली इवनिंग स्नैक में ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर खाती हूँ. खाती हूँ और खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ. Hey guys,
तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैं अपने चैनल पे इतनी स्टूपिड चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं और मैं एक एक को कॉमेंट देने के बजाय पहले तो मैं उलझ ही नहीं रही हूँ इस टॉपिक में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इसमें डिस्कस करना भी इज ऑल्सो इटसेल्फ अ स्टूपिडिटी। बट क्योंकि आज जो मेरे पास कमेंट आया ना, ये इतना स्टूपिड और रिडिकुलस वे में आया है कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, मैं इनकी पिक्चर के साथ इनका कॉमेंट यहाँ पर चिपकाऊंगी कि इन्होंने मेरे को क्या कॉमेंट लिखा है। तो स्वाति वानखेड़े जी लिखती है मुझे कि प्लीज इफ ब्रिंग बप्पा एट होम देन फॉलो प्रॉपर रिचुअल्स, अदरवाइज डोंट यार। यू गाइज कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र एंड डूइंग वॉट एवर यू लव, इट्स रिडिक्यूलस। स्प्रेड दिस अवेयरनेस एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वाति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गणपति बप्पा से आपकी क्या फोन पे बातें होती रहती है रेगुलर वे पे? आप मुझे बताइए, क्या रेगुलर आपकी बातें होती रहती हैं उनके असिस्टेंट से या उनके मम्मी से या उनके पापा से, या उन्होंने आपको आकर के बताया कि भाई मेरी पूजा तुम इस तरीके से करो? मैं बेसिक जो रिचुअल होता है ना, वो मैं सब फॉलो करती हूँ। अभी इतना इन डेप्थ में जा करके मुझे फॉलो करना नहीं आता। दूसरी चीज, मैंने फिर इनको कमेंट लिखा क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया जब इनने ये बोला ना, यू गाइस कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र एंड डूइंग वॉट एवर यू लव। तो भाई हम महाराष्ट्र के बाहर से आए तो मतलब हम जो प्यार करते हैं हम वो नहीं करें? वॉट डज दैट इवन मीन यार? मतलब डू यू हैव ब्रेन? पढ़ाई करी है आपने कभी मॉरल साइंस की? फिर मैंने इनको लंबा चौड़ा मैसेज करके लिखा कि इसको लास्ट में ये भी लिखा कि मैं इतने हार्श मैनर में कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती और बिकॉज योर कॉमेंट डिजर्व दिस। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके लिखा, मैंने लिखा उनको कि आप जैसे लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हो एंड ऑल दैट ये सब। तो इसने मेरे को रिप्लाई किया, गुड फॉर यू। फिर इसने मुझे कॉमेंट किया, आई कॉमेंटेड फर्स्ट टाइम, अदरवाइज आई जस्ट फॉलो यू। तो स्वाति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका कॉमेंट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा पथेटिक है। इट्स बेटर फॉर यू इफ़ यू डोंट कॉमेंट, आप फॉलो ही करो, कॉमेंट मत करो किसी को भी। जिन लोगों, बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़े प्यार से ये चीज़ लिखा है कि गणपति बप्पा को अकेले छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो मैं जिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार से लिखा है ना, ये आंसर मैं उनको दे रही हूँ। ठीक है, प्यार से मैं उनको आंसर दे रही हूँ। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। आप लोग महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, मोस्टली मुझे सब महाराष्ट्र के लोगों ने आई थिंक ये लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ का कल्चर है। आई बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम, डिफरेंट रीति रिवाज, जो भी आप बोल लो उसको। मैं दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, राइट? मैं दूसरे शहर से आई हूँ, दूसरे एरिया से आई हूँ, नॉर्थ इंडिया की हूँ मैं। तो हमारे वहाँ पर मैंने तो बचपन से यही देखा हुआ है कि गणपति जी लाते हैं, 10 दिन के लिए उनको रखा जाता है, और 10 दिन के लिए रखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हमारे काम छोड़ करके 10 दिन सिर्फ भगवान के सामने बैठे रहे। पहली चीज़ तो हमारे यहाँ अखंड जोत नहीं जलती है। जिन घरों में भगवान के सामने अखंड जोत जलाई जाती है वहाँ पर घर में छोड़ करके नहीं जाया जाता है। हम लोग गणपति जी के सामने अखंड जोत नहीं जलाते हैं, हमारे यहाँ वो दुर्गा जी में होता है। दूसरी चीज़, मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग हैं, मैं खुद भी तब वर्किंग थी तो मुझे तो ये याद है कि हमारे यहाँ 10 दिन के लिए गणपति जी बिठाए जाते थे। मेरे पापा भी घर ऑफिस जाते थे, मेरी मम्मी भी ऑफिस जाती हैं, मैं भी ऑफिस चली जाती थी, तो उनको तो हम अकेला छोड़ के ही जाते थे। और यार ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? आई थिंक हर ग्रंथ, हर कल्चर, हर कस्टम में ये लिखा हुआ है। जिस भी तरह की भगवान की जो होली बुक्स होती है उनमें आई थिंक ये सेंटेंस तो लिखा ही हुआ है कि कर्म ही पूजा है। कहाँ, किस ग्रंथ में, किस धर्म में ये बोला गया है कि अपने काम काज छोड़ करके मेरी सेवा करो? किस भगवान ने ये बोला है? फिर ये कौन सा लॉजिक है? अगर आप 1 दिन के लिए बिठा रहे हो, 2 दिन के लिए बिठा रहे हो, ये उन घरों में वैलिड है भाई कि आप भगवान को अकेला नहीं छोड़ के जा सकते। इनफैक्ट जिस दिन मैं जिन दीदी के साथ गई थी ना, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ इंडिया के साइड है, वो दिल्ली साइड की हैं, उनके यहाँ भी 10 दिन के लिए वो बैठाती हैं। उनसे भी मैं यही कन्फर्म करी थी तो उनके यहाँ भी वो लोग नहीं मानते। तो आई थिंक नॉर्थ इंडिया में कुछ मानते होंगे बट ऐसा नहीं चलता हमारा। गेटिंग माई पॉइंट, मैं और अब आते हैं वापस से स्वाति जी के बात पे। तो इनका ये कहना है कि पहले महाराष्ट्र में इतना रश, ये स्वाति ना उस टाइप की लेडी है जो जब ये लोग है ना पीओपी गणपति जी जो लोग ला रहे होंगे उनके घर जाकर के खूब बड़े मजे से प्रसाद खा के आ रही होगी, उनको नहीं टोक रही होगी कि तुम पीओपी गणपति जी मत लाओ, तुम बाहर विसर्जन मत करो। इसने पता है कि गणपति जी क्यों बिठाए जाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है बिठाने का? पहले जाकर के पता करो कि गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है, उस पता कर लोगे कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है, उसके बाद मुझसे ये बकवास करना। और अगर आपको नहीं पता है, आप सिर्फ आंख बंद करके फॉलो कर रहे हो चीजें, तो डू लेट मी नो, मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगी कि गणेश उत्सव एक्चुअली में मनाया क्यों जाता है। तो मुझे यही बोलना था और अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में बिकॉज मेरी डांस क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो टिल देन बाय। एक्चुअली अभी इन लोगों का नया सॉन्ग हुआ है राधा राधा, राधे राधे, वो जो नया है ना वो चल रहा है। एंड
वही ये लोग बड़े दुखी उसमें डिस्कशन कर रहे हैं मेरे साथ कि प्लीज़ मैम गाना चेंज कर दीजिए. वाई? बिकॉज इन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो सॉन्ग है ना उसमें मैंने बहुत हार्श स्टेप्स दी है. क्या कर रही है चिया? तो वैसा है एंड लेट्स सी. अभी अभी एक और मीका नहीं आई ना, तो वही मैं इन लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि वही सॉन्ग अच्छा है, वो न्यू सॉन्ग है, उसी पे ही करना है. हाँ, पर ये तो डिफिकल्ट है ये, और फास्ट भी है. और फास्ट भी है. हमने कैसे कर गए ऑडियंस? Hey guys, तो अभी जस्ट मेरी डांस क्लासेस ख़त्म हुई है और अभी मुझे फटाक से 5 मिनट्स का वीडियो शूट करना है. तो बेसिकली ये ब्रांड रिलेटेड वीडियो है, मतलब ब्रांड का वीडियो है. तो लास्ट 2 मंथ्स हो गए मुझे ये करते हुए, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हुए हैं. मतलब इस साल मैंने ये अपना नया टास्क, मेरे ना चेकलिस्ट थी बहुत सारी, तो उसमें से एक चेकलिस्ट ये थी कि मैं आप लोगों को सारे वीडियोज़ जो भी स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ रहेंगे या ब्रांड के थ्रू आता है वो मैं या तो मेरे वीडियो में बोलती हूँ मैं कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय, वीडियोज़ इन कोलैबोरेशन विद, या दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय, या मुझे ये प्रोडक्ट इस ब्रांड ने एज अ PR प्रोडक्ट भेजे हैं, या मुझे ये गिफ्ट्स आए हैं. वो सारी चीज़ें आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 3 मंथ से मैं ये कर रही हूँ, हर वीडियो में ये करती हूँ. और कुछ जो ब्रांड्स, इनकी कंडीशंस होती हैं कि आप ये डिस्क्लोज नहीं करोगे कि ये हमारा ब्रांड क्या भेजा हुआ सामान है, तो उन ब्रांड के साथ मैं काम ही नहीं कर रही हूँ. मतलब मेरी ये फुल ऑन कंडीशंस रहती है कि भाई उसमें छुपाना क्या है यार, ब्रांड ने भेजा है स्पॉन्सर वीडियो, क्या प्रॉब्लम है? तो यू नो आई एम डूइंग दिस. सो इससे क्या होता है ना कि ब्लैक एग्जैक्टली. तो आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स एंड आई एम रियली हैप्पी. इसका पॉजिटिव टर्न आउट ये हुआ है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मुझे देखते हैं ना, उनका ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होता जा रहा है मेरे अंदर. मतलब हमारी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो विच इज़ अ गुड थिंग. और आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन. मेरे को ना एक्चुअली हुआ ये था, एक किसी, जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तब किसी एक वीडियो में मुझे एक लेडी ने नीचे कमेंट किया था, दिस सीम्स लाइक अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. तो मैंने उनको बहुत स्माइली फेस बना करके लिख करके भेजा कि येस इट इज़ अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, यू कैन चेक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और फिर उन्होंने फिर कमेंट करा, ओ सॉरी आई डिडंट चेक इट, आई रियली लव योर ऑनेस्टी. वो कमेंट मुझे इतना पसंद आया था ना, तब से मैं रेगुलरली जब भी स्पॉन्सर्ड वीडियो करती हूँ या कोलैबोरेशन वीडियो करती हूँ, उसमें गलत क्या है यार, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, सब करते हैं. और आई थिंक आप सबको पता चल जाता है कि कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड है और कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. तो मैं बहुत फ्रैंकली अब बताती हूँ कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट मुझे ब्रांड ने भेजा है, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद आपको इसके रिव्यूज़ दूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्टली कल मिलूँगी. कल मुझे एक छोटा सा हॉल आपके साथ में शेयर करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली कल के पार्ट में मिलती हूँ. तो आज के लिए आई थिंक आई विल से गुड नाइट टू यू.